उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज से 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ एसडीएम सदर की देखरेख में संपन्न कराया जा रहा है। सुबह कुरान की तिलावत के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। रात को मुसायरा और दूसरे दिन कवाली के प्रोग्राम के साथ अंतिम दिन कुल शरीफ के साथ मेले का समापन होगा। इस मौके पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मुरादे मांगते हैं। दरगाह हजरत हमीद उद्दीन शाह सूफी रहमतुल्लाह की करामात है, जो पूरी श्रद्धा से बाबा से मन की मुराद लगाकर कुछ मांगता है तो उनकी दुआ कबूल होती है। इसी बीच जो प्रशासन ने पार्किंग की व्यवस्था की उस पर दबंग लोग अपने मन से कब्जा जमाए बैठे हैं और श्रद्धालु से मोटरसाइकिल के नाम पर अवैध वसूली कर अभद्रता कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद पार्षद इमरान मंसूरी ने की है। और अभी 2 दिन और मेला चलेगा, समय रहते अगर प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने शासन से मांग की है कि इस ओर ध्यान दे और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करे। आज साथ सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शुरू हो चुका है, जो कमेटी द्वारा उर्स कराया जाता था वो कमेटी से हटाकर प्रशासन के हाथ में आ गया है। लेकिन जब से प्रशासन के हाथ में ये मेला आया है तब से पार्किंग के नाम पे आसपास के लोकल के गांव के लोग पुलिस की बैरिकेडिंग को चलाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, जबकि मेला 2 दिन बाद होगा जिसमें भीड़ होगी। आज की स्थिति में कोई भीड़ नहीं है, आज 24 तारीख है। तो मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि मेले में संज्ञान लें, व्यवस्था को दुरुस्त करें और जो लोग गुंडागर्दी को उतारू हैं, बदतमीजी को उतारू हैं, उनको वहां से बैरिकेडिंग से छोटी गड्ढिया से हटाएं ताकि सुचारू रूप से बैरिकेडिंग चल सके और जनता को और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको राहत मिल सके।